दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। बोहरा कॉम्प्लेक्स के अंदर बनी दुकानों को खाली करने के लिए दुकानों को दिए गए निर्देश। प्रशासन द्वारा बताया गया अवैध। दुकानदारों के सामने समस्या हुई खड़ी, प्रशासन से लगाई गुहार। उचित कार्रवाई न होने पर परिवार आया सड़कों पर। हनुमान चौराहे पर पति पत्नी बैठ गए मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर। रामकृष्णपुरम कॉलोनी की सड़कों पर भरा पानी। जियो लाइन खोदने के दौरान कर्मचारियों द्वारा पीएचई की मेन लाइन फूट जाने के कारण सड़कों पर भर रहा है पानी। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार प्रदेश में बालक बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं आत्मसम्मान के लिए शुरू किए गए सम्मान अभियान के तहत आज गुना कोतवाली टीआई उमेश मिश्रा द्वारा शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों का कोतवाली परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर उनको महिलाओं एवं बालक बालिकाओं की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्हें इस संबंध में जारी बैनर पोस्टर वितरित किए। सिख धर्म के दसवें गुरु सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह का 394वां अवतार दिवस मनाया गया। चिड़ियों संग मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धों को मैं शेर बनाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सिख धर्म के दसवें गुरु सर्वंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह का 394वां प्रकाश दिहाड़ा प्रकाश उत्सव अवतार दिवस आज श्रद्धा भाव व उल्लास के साथ मनाया गया। जहरीला फल खाने से अचानक 6 बच्चों की हुई तबीयत खराब। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्राम भेटाघाट पटार मोहल्ला पर जब बच्चों के माता पिता घर पर नहीं थे उस दौरान उन्होंने जहरीला फल खा लिया, जिससे अचानक ही उन सभी की तबीयत खराब हो गई। यातायात सड़क सुरक्षा माह के दौरान यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाने वालों को यातायात पुलिस द्वारा गुलाब के फूल देकर किया गया सम्मानित। धनौदा थाना पुलिस के हाथ आए दो शातिर वाहन चोर, जिनके कब्जे व निशायदेही से चोरी की कुल 10 मोटरसाइकिल हुई बरामद। गिरफ्तार आरोपियों में से एक 25 वर्षीय युवक के विरुद्ध थाना जीआरपी जिला बारा राजस्थान में चैन स्नैचिंग एवं भोपाल में नकली नोट चलाने संबंधित प्रकरण दर्ज होना पाए गए। बजरंगढ़ नवोदय विद्यालय परिसर में रोजगार उत्सव में 756 युवक युवतियों का हुआ प्रारंभिक पंजीयन। रोजगार हेतु चयनित 296 युवाओं को आयोजन स्थल पर प्रदान किए गए ऑफर लेटर। समय सीमा की बैठक का हुआ आयोजन। आर्थिक सहायता के प्रकरणों में विलम्ब नहीं हो, 3 दिवस में संबंधितों के प्रकरणों का निराकरण किया जाना एवं नामांतरण के प्रकरण लंबित नहीं रखने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। ये निर्देश समय सीमा की आयोजित बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दिए गए। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा सफाई प्रकोष्ठ ने नगर परिषद कुमराज एवं तहसील कार्यालय में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। 10 दिवस के अंदर मांगे यदि पूर्ण नहीं की गई तो मजबूरन सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। मकसूदनगढ़ में व्यापारी के कर्मचारी की आंखों में मिर्ची डालकर पैसों से भरा झोला समझकर पानी की बोतल का झोला बदमाश छुड़ाकर ले गए। बजरंगढ़ थाना पुलिस द्वारा क्षेत्र से गायब हुई 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को खोज निकाला गया। गुना पुलिस की अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयां। जिले के अलग अलग थानों से पुलिस द्वारा लगभग 100 लीटर अवैध शराब के साथ 8 आरोपियों को पकड़ा गया। गुना पुलिस की नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई। मारुति कार में गांजा लेकर जा रहे 3 को जामनेर थाना पुलिस ने पकड़ा। करीबन 40,000 रुपए के 2 गांजे सहित 5.5 लाख की एक मारुति कार की जब्त। शातिर वाहन चोर चढ़ा कोतवाली पुलिस के हत्थे, जिससे चोरी की 3 मोटरसाइकिलें हुई बरामद। कोतवाली पुलिस द्वारा
एक व्यक्ति के गल्ला मंडी स्थित पार्क के पास खड़े होने की जानकारी लगने पर उनके द्वारा तत्काल थाने से पुलिस टीम रवाना की गई। ये संदिग्ध व्यक्ति को टीम वहां पर पकड़ने पहुंची और जहां पार्क के पास अपाचे मोटरसाइकिल के साथ खड़े लगभग 24-25 साल के व्यक्ति को घेर कर पकड़ लिया, जिसने पूछताछ पर खुद को ग्राम पौरुखेड़ी थाना बमोरी का निवासी होना बताया एवं जिसके पास से मिली अपाचे मोटरसाइकिल उसने दिनांक 7 जनवरी को दुर्गा कॉलोनी से चोरी करना स्वीकार किया। और अब देखिए खबरें विस्तार से। बोहरा कॉम्प्लेक्स के अंदर बनी दुकानों को खाली करने के लिए दुकानों को दिए गए निर्देश। प्रशासन द्वारा बताया गया अवैध दुकानदारों के सामने समस्या हुई खड़ी, प्रशासन से लगाई गुहार। बोहरा मस्जिद के पास बने बोहरा कॉम्प्लेक्स के अंदर तमाम दुकानदारों ने लगभग 11 साल पहले दुकानें पगड़ी पर ले रखी हैं, जब से लेकर वह अब तक अपना व्यवसाय वहां से चला रहे हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा बोहरा कॉम्प्लेक्स की बनी दुकानों को अवैध निर्माण बताया गया है, जिसके चलते दुकानदारों को खाली करने के लिए कहा गया है। अब दुकानदारों के सामने समस्या ये खड़ी हो गई है कि वे अब जाएंगे। जिला कलेक्टर से इस समस्या के निराकरण की मांग दुकानदारों द्वारा की गई। मामला ये है कि आज से 11 साल पहले हमने बोहरा मस्जिद से ये दुकानें ली थी, जिसमें हमारा क्लिनिक है बोहरा मस्जिद कमेटी से, और सब हम लोग बहुत दिनों से चल रहा है, हमारा पूरा यहाँ पे सिस्टम है यहीं पे, और हमारी कोई शहर में व्यवस्था तो नहीं है। आज गवर्नमेंट करेगी अवैध निर्माण है, पर 11 साल से किसी ने हमें कुछ बताया नहीं। हम लोग तो बोहरा मस्जिद कमेटी से ले रखा है हमने, और हम अपना सिस्टम चला रहे हैं। अगर हम मान लो आज कल को ये निर्माण तोड़ दिया जाता है, तो हम अपने बीवी बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? हमारे इतने सारे कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाह कहाँ से देंगे हम? और शहर में दूसरी जगह हम कहाँ कैसे ले पाएंगे? तो इसलिए गवर्नमेंट से हमारा यही कहना है कि इस समस्या को, हमने तो मस्जिद कमेटी को पैसा दिया है और इतने साल से हम रह रहे हैं, इससे पहले हमें किसी ने नहीं बताया कि अवैध निर्माण है। तो हम लोगों को आज आके बता रहे हैं कि आप खाली करो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो हम ये चाहते हैं कि कलेक्टर साहब इसमें कुछ समझें और इस मैटर को सुलझाएं। लगभग कितने दुकानदार होंगे? 86 दुकानदार के आसपास। लगभग आपने कमेटी को कितने पैसे दिए थे पर दुकान लेने में? कमेटी को हमने लगभग 10 लाख के आसपास। एक दुकान का 10 लाख। दुकानें पगड़ी से किराए से या मोल ली थी क्या? ये पगड़ी से है दुकानदार है, ट्रस्ट से हमने ली थी। आपका शुभ नाम? डॉक्टर जुल्फिकार। मकसूदनगढ़ में व्यापारी के कर्मचारी की आंखों में मिर्ची डालकर पैसों से भरा झोला समझकर पानी की बोतल का झोला बदमाश छुड़ा कर ले गए। मामला मकसूदनगढ़ का है। किराना व्यापारी धर्मेंद्र अग्रवाल के कर्मचारी सुनील रामबाबू रोज की तरह व्यापारी की दुकान पर काम कर झोला लेकर व्यापारी के घर जा रहे थे। इसी दौरान दो अज्ञात बदमाशों ने सुनील और रामबाबू के हाथों में पैसों से भरा झोला देखकर दोनों की आंखों में मिर्ची डाल दी और झोले को छुड़ा कर ले गए। पर गनीमत यह रही कि सुनील रामबाबू के हाथों में दो झोले थे, पर बदमाश सुनील और रामबाबू के हाथों में से एक ही झोला छुड़ाने में कामयाब हो पाए। मामला मुझे तो कुछ नहीं पता सर, लेकिन यहाँ से मैं सिलक मिलक लेकर जा रहा था, तो गली में हम दोनों जने जा रहे थे पैसे में से लेकर, तो दो लड़के गली में अंदर हमें आते हुए दिखाई दिए, तो हमने सोचा कि सामने दुकान गोदाम है उसकी, रामू भैया की, तो उसके गली में सामान वामान लेने आए ये हमने सोचा, और उसके बाद में हम ताले माले खोलने लग गए, इसने ताला माला खोल लिया और हमने उसकी उनकी दोनों की समझी के सामान वामान लेने आए, इतने में उन पर तो हमने कुछ ध्यान दिया नहीं कि हमारे संग ऐसा ऐसा होगा, तो पीछे पीछे हमने लिए दोनों को लिए पकड़ लिया उन्होंने, मिर्ची भरी उन्होंने, और हम ऐसे कैसे ही डरते धमकते चिल्लाते हुए ऊपर चढ़ गए। तो क्या क्या ले गए आपसे? वो आपसे एक एक झोला ले गए सर मेरे से। क्या था उसमें? उसमें सर कुछ पर्चे मर्चे वगैरह होंगे कुछ, और पैसे वगैरह गायब हुए कि नहीं? पैसे वगैरह नहीं हुए सर, पैसे बच गए, पैसे वाले ले गया है झोला, मतलब वो वजन देखकर जो बाटल माटल थी उसमें पानी की, वो वजन देखकर उस वो छोड़ा कर ले गए मुझसे। क्या नाम है आपका? सुनील है सर। कहाँ के हो? मकसूदनगढ़ का हूँ।
उचित कार्रवाई न होने पर परिवार आया सड़कों पर। हनुमान चौराहे पर पति पत्नी बैठ गए मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर। गुड़वालाजी चांसवाली रोड पर रहने वाले कोरी परिवार पर धाकड़ परिवार द्वारा हमला कर मारपीट कर दी गई, जिसकी शिकायत परिवार द्वारा सिटी कोतवाली में की गई, लेकिन उचित कार्रवाई न होने के कारण आज हनुमान चौराहे पर परिवार आकर लेट गया और उचित कार्रवाई की मांग की गई। वहीं धाकड़ परिवार द्वारा बताया गया कि कोरी परिवार द्वारा अश्लील गालियां दी जाती हैं एवं हरिजन एक्ट लगाने की धमकी भी दी जाती है। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ मामला कायम कर लिया गया है। मैं बूढ़े वाला जी चांसवाली रोड आंगनबाड़ी के पास में रहती हूँ। तो हमारे पास में वो शिवलाल कोरी रहता है सामने, रात को नंगी नंगी गाली बकता है, गेटन में धक्का देता है और वो कई कारण के पैसे भी मांगता हमसे। पैसा मांगने के बाद में केस लगाता है, हरिजन केस लगाऊंगा मैं उस पर। तो हमारे पति घर पर नहीं रहते हैं और वो ओझा को भी भगा दिया उसने। और कई भी महिलाएं बहुत परेशान है, गाली बकता है, चरस गांजे का धंधा भी करता है वो। घर पे आदमी बुला लेता है हमारे सामने, हम पति भार लेते हैं उसको, हमको धमकी देता है नहीं पैसा दिलाओ नहीं हम तुम सब वो करवाएंगे। वो बहुत गंदी गंदी गाली बकता है। पुलिस में शिकायत की आपने? पुलिस में शिकायत की, पुलिस वाले कुछ नहीं सुन रहे हमारी। अच्छा, घर पे कब्जा कौन कर रहा है आपके? शिवलाल कोरी है, दीपक कोरी और नीरज कोरी। क्या नाम है आपका? मोरवाई दाकर। महिला क्यों ये रोड पे लेट गई? ये महिला जो है अपना हरिजन वर्ग की है और ये कल परसों जो है थाने के आई थी, तो उनका दाताओं के खिलाफ एक मुकदमा SC ST का इनके तरफ से कायम कर दिया गया है और उसमें सीधे गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। सर करीबन कितनी देर तक रही ये रोड पे? मेरे पहुंचने से पहले 10-15 मिनट के लिए आई थी और साइड में एक जगह खड़े हुए थे लोग। सर क्या कारण है महिला को हनुमान चौराहा लेटना पड़ा? जो कार्रवाई संभव थी वो कार्रवाई कर दी गई है, आरोपी के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया है और शीघ्र उसमें गिरफ्तारी भी हम लोग कर देंगे। ठीक ठीक। रामकृष्णपुरम कॉलोनी की सड़कों पर भरा पानी। जियो लाइन खोदने के दौरान कर्मचारियों द्वारा PHE की मेन लाइन फूट जाने के कारण सड़कों पर भर रहा है पानी। रामकृष्णपुरम कॉलोनी के रहवासी सड़कों पर पानी भरे जाने के कारण काफी परेशान हैं। घर से निकलने वाले पानी व PHE की मेन पानी की लाइन फूट जाने के कारण सड़कों पर पानी आ गया है, जिससे निकलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और सड़कों पर पानी भरा रहता है, जिससे राहगीरों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका से शिकायत करने के बावजूद भी एवं CM हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बावजूद भी इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। रहवासी काफी समय से हैं परेशान। क्या बताएं? मामला सर ये मेरा घर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पानी भरा रहा है और ये कम से कम लगभग 1.5 महीना से ऊपर हो चुका है यहाँ पानी भराते। तो यहाँ पे हमने शिकायत भी करी नगर पालिका से और नगर पालिका देखने भी आए, लेकिन वो एक दो दिन का लेके निकल जाते, तो उसके बाद दोबारा नहीं आए वो। इसके बावजूद मैंने CM हेल्पलाइन नंबर पर 3 बार फ़ोन किया, उधर भी शिकायत की तो उधर से भी रिस्पांस आया और उधर से भी नगर पालिका आए, लेकिन ये थोड़ा बहुत देख दाख के चले जाते हैं और कुछ काम नहीं हो रहा है। इधर से हमें इतनी दिक्कत आ रही है, पूरा घर ये पूरा पानी मेरे नाली के अंदर जा रहा है, पूरे बाथरूम में पानी आ रहा था और पीने का पानी बहुत गंदा आ रहा है। और सर निकलने में दिक्कत आती है, स्कूल के बच्चों को निकलने में दिक्कत आती है, मंदिर वगैरह जाने में दिक्कत आती है और पूरी गंदगी यहाँ से बदबू आती है, मच्छर हो रहे हैं, घर के बाहर हम बैठ नहीं सकते, बहुत समस्या है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रबल प्रताप सिंह।
मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार प्रदेश में बालक बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं आत्मसम्मान के लिए शुरू किए गए सम्मान अभियान के तहत आज गुना कोतवाली TI उमेश मिश्रा द्वारा शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों का कोतवाली परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर उनको महिलाओं एवं बालक बालिकाओं की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्हें इस संबंध में जारी बैनर पोस्टर वितरित किए। जाकर इन बैनर पोस्टरों को उनके अपने अपने संस्थानों के अंदर एवं बाहर चस्प किए जाने के निर्देश दिए। अभी 11 जनवरी को जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और उनकी उनके साथ घटित होने वाले अपराधों की जागरूकता के संबंध में जो अभियान सम्मान चलाया जा रहा है, उसी के तहत मैंने आज जो हमारे थाना क्षेत्र में कोचिंग सेंटर हैं, उन कोचिंग सेंटर में जितने भी कोचिंग सेंटरों के संचालक हैं उनको बुलाकर यहाँ पे एक मीटिंग ली गई है। और मीटिंग के बाद जो इसके स्लोगन्स वाले बैनर हैं वो मैंने इन लोगों को वितरण कर रहा हूँ यहाँ, और वो अपनी अपनी कोचिंग्स के बाहर वो बैनर्स लगाएंगे जिसमें कि महिलाओं से संबंधित होने वाले घटित अपराधों के बारे में जानकारी दी गई है। तो वो सभी कोचिंग संचालक यहाँ लगभग 30-40 की संख्या में आए हैं और सभी को हम लोग यहाँ बैनर वितरण कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी कोचिंग्स के बाहर ऐसे बैनर लगाएं। सिख धर्म के 10वें गुरु सरवंश दानी गुरु गोविंद सिंह का 394वां अवतार दिवस मनाया गया। चिड़ियों संग मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धों को मैं शेर बनाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सिख धर्म के 10वें गुरु सरवंश दानी श्री गुरु गोविंद सिंह का 394वां प्रकाश दिहाड़ा प्रकाश उत्सव अवतार दिवस आज श्रद्धा भाव का उल्लास के साथ मनाया गया। आज सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का अवतार दिवस है। 355वां अवतार दिवस बड़े धूमधाम से गुना शहर में मनाया जा रहा है। और आज के दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में पटना बिहार में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु हैं, उन्होंने पूरा सर्वंश दानी उनको बोला जाता है। अपने माता पिता गुरु तेग बहादुर जी, माता गुजरी जी और अपने चारों बच्चों का जो शहीदी उन्हें धर्म के हित में दी और हिंदू धर्म बचाया। और एक राइटर ने बहुत खूबसूरत लिखा है, ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह सुन्नत होती सबकी। औरंगजेब जब अत्याचार कर रहा था उस समय गुरु गोविंद सिंह जी के पिता जो सिख धर्म के 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली में शहीदी दी। उसके बाद बारी बारी से गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी माता गुजरी सरंद में ठंडे बुर्ज में उनने शहीदी दी। और दो बड़े साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के वो चमकौर की गढ़ी में शहीद हुए युद्ध करते हुए, और छोटे बच्चे सरंद में औरंगजेब की आदेश पर नींवों में चिनाए और ऐसे उनने हिंदू धर्म बचाया। आज इस पावन पर्व की समूह गुना निवासी संगत को मैं बधाई देता हूँ और समूह बनाने वाली संगत को इस पावन पर्व की लख लख बधाई। क्या क्या आयोजन हुए गुना में गुरुद्वारे? अभी पिछले लगातार 15 तारीख से प्रभात फेरियाँ चल रही थी और 15, 16, 17, 18 प्रभात फेरियाँ 19 तारीख तक, और कल रात को कीर्तन दीवार अमृतसर साहब से रागी जत्था भाई लवप्रीत सिंह जी आए हुए हैं, उनने रात को भी कीर्तन किया। और आज सवेरे से ही 5 बजे गुरुद्वारा साहब में सेवा चालू हो गई थी जो कि 4 बजे तक शाम को लंगर चलेगा। और शाम का जो प्रोग्राम है 6:30 बजे से कीर्तन कथा और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं जो रात 12 बजे तक चलेंगे। जहरीला फल खाने से अचानक 6 बच्चों की हुई तबीयत खराब, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्राम भेटाघाट पटार मोहल्ला पर जब बच्चों के माता पिता घर पर नहीं थे उस दौरान उन्होंने जहरीला फल खा लिया जिससे अचानक ही उन सभी की तबीयत खराब हो गई। परिजनों को जैसी सूचना लगी तो उन्होंने एम्बुलेंस को फोन लगाया और जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। इलाज के बाद उनकी तबीयत अब ठीक बताई जा रही है। कितने बच्चे थे? 7-6 बच्चे। 6 बच्चे थे? 5 बच्चे हैं। कौन कौन है उसमें से? लड़के कितने हैं? लड़की कितनी? एक ही लड़की है, 3 लड़का है, दो लड़की। तो क्या सबके ही परिवार वाले मजदूरी पर निकल गए थे? बच्चे घर पे अकेले थे? घर पे मैं अकेले थे। तो कैसे पता चला आपको दवाई खा ली? फोन लगाओ सब पता, फोन लगा कर बुलवाए थे सब आए। किसने बुलवाया था? मतलब कोई फोन लगाओ तो
कौन सा गांव के हम लोग? बेटा घाट पटाली मोहल्ला। भार्गव कृषि फार्म पर श्री इंद्रेश जी उपाध्याय के मुखारविंद से होने वाली श्रीमद् भागवत कथा के उपलक्ष्य में आज दोपहर 12 बजे भार्गव फार्म हाउस पर पत्रकार वार्ता हुई संपन्न। महत्वपूर्ण विषयों पर लिए गए निर्णय। 11 बजे तो आप सभी से निवेदन है कि कल के आयोजन में भी बढ़ा रहे हैं और आगे भी कथा का श्रवण करें। जैसे कि आप प्रायः अधिकांश सभी लोग जानते होंगे कि पूज्य सतगुरु देव विश्वविख्यात भागवत भास्कर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज के यशस्वी सुपुत्र आचार्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी का आगमन मध्य प्रदेश के पावन धरा गुना मध्य प्रदेश में हुआ। जैसे पूज्य सत्यदेव ठाकुर जी ने अपनी वाणी के माध्यम से भागवत सेवा के माध्यम से लोगों के हृदय में राम और कृष्ण को जन जन तक भक्ति के माध्यम से जगाया है, पहुँचाया है, ऐसे ही पूज्य इंद्रेश जी भी जब भागवत जी की महिमा का वर्णन करते हैं, भगवत भागवत वार्ता करते हैं, भक्तों के चरित्र का दान करते हैं, श्लोकों का गायन करते हैं, तो वातावरण गुंजायमान हो जाता है। सुमधुर कंठ के धनी पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज संतों के परम लाडले, संत सेवी, परम गुरु सेवी, परम विद्वान, बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा का गान करते हैं और अभी भी उनकी कथा आस्था भजन में, जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले श्रीधाम वृंदावन में श्रीनाथ जी का द्वितीय प्राप्तोत्सव दिवस मनाया गया था, 11 जनवरी से 17 जनवरी वो कथा हुई, उसका भी लाइव प्रसारण अभी आस्था भजन में चल रहा है। तो बहुत ही सुंदर कथा वाचक है पूज्य इंद्रेश जी, बहुत ही सरल और परम विद्वान है। आप सब सुनकर जरूर आनंद का अनुभव करेंगे और हृदय में आह्लादित होंगे। आप सभी को, सभी गुना वासियों को, सभी मध्य प्रदेश वासियों को हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि एक बार जरूर आप कथा श्रवण हेतु पधारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज बहुत ही सुंदर कथा का गान करते हैं, रसमयी भक्ति वर्षण करेंगे भागवत की वार्ता से, सबको बहुत जैसे। आज की खबरों के लिए बस इतना ही, कल फिर हम आपके सामने नई खबरों के साथ उपस्थित होंगे। अगर आप हमारी खबरों को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी खबरों को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें, और अगर आप हमारी खबरों को टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो सोनाली केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। दर्शकों, अब हम आपको ले चलते हैं हमारे बिजनेस प्लस की दुनिया में। हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। ट्रिपल होजरी सेल, जहाँ आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें, साथ ही सर्दियों का धमाका। त्रिपुर होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर,
लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते। बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर, त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल। सोनाली ए टू जेड मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर। सभी कंपनी के शिम्बा मोबाइल, मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग। हाथों हाथ दो घंटे में फोल्डर बैग ग्लास चेंज कराएं। मोबाइल स्टार्ट मात्र 499 रुपए से। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रेडमी, आईटेल, लावा, इंटेक्स, नोकिया एवं सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध। चार्जर, हेडफोन, पावर बैंक, डाटा केबल 6 महीने की वारंटी के साथ उपलब्ध हैं। दीपावली ऑफर, मोबाइल खरीदने पर आकर्षक गिफ्ट हैम्पर। पता पीएचई के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना।